भिंडी बनाने के लिए मैंने सरसों का तेल लिया है। सबसे पहले हम तेल को गर्म कर लेंगे, फिर हम इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा। जैसे ही ज़ीरा पॉप अप हो जाएगा, हम डालेंगे स्लाइस्ड की हुई अनियन और इन सबको हम सॉटे कर लेंगे। जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है, हमें तब तक इसे सॉटे कर लेना है। प्याज को लगातार हम चलाते रहेंगे ताकि ये सभी साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। आप देख सकते हैं ये जो है प्याज हमारी, वो काफ़ी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अब हम इसके अंदर भिंडी डाल देंगे और भिंडी डालकर हम इसे मिला लेंगे। भिंडी को प्याज के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। भिंडी मिक्स हो चुकी है, अब हम इसके अंदर डालेंगे कटी हुई साबुत सूखी लाल मिर्च और साथ में मैं यहाँ पर डालूँगी ग्रेट की हुई आंबी। ये आंबी को मैंने ग्रेट कर लिया था, इसका छोटा सा टुकड़ा, और उसे मैं इसके अंदर डालूँगी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसे डालने के बाद हम मिक्स कर लेंगे। नमक हम डालेंगे सबसे लास्ट में। इसे मिक्स करेंगे और लगातार चलाते हुए हम इसे पकाएँगे। आप देख सकते हैं भिंडी की लेस जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर इसके अंदर नमक डालूंगी और नमक डालकर हम इसे मिला लेंगे। नमक डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे, जब तक कि ये अच्छे से नहीं पक जाती है और अच्छे से नहीं गल जाती है। अगर आप इसे ढककर पकाएंगे तो इसका कलर ऐसा नहीं आएगा, अगर आप इसे खोल कर पकाएंगे तो इसका कलर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। आप देख सकते हैं मैंने इसे खोल कर पकाया है, तो इसलिए इसका कलर कितना ज़्यादा ग्रीन है। अगर आप भी ऐसा कलर चाहते हैं कि भिंडी का ऐसा कलर आए, तो आप इसे कवर कर कर ना बनाएं, आप इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए खोल कर पकाएं। तो ये हमारी ज़बरदस्त भिंडी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी रंगत है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।